हमीरपुर में अब दुकानदार भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं और हमीरपुर शहर में ही 2 दर्जन के करीब दुकानदारों के कोरोना पॉजिटिव आने पर दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। वहीं व्यापार मंडल हमीरपुर के द्वारा कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन करने की मांग की जा रही है। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि शहर के व्यापारी वर्ग के द्वारा कोविड से छुटकारा पाने के लिए लॉकडाउन की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 मई को कैबिनेट की बैठक में अगर लॉकडाउन पर कोई निर्णय नहीं होता है तो व्यापार वर्ग अपने स्तर पर ही बाजारों को बंद रखने का निर्णय लेगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमीरपुर जिला में दिनों दिन कोविड पॉजिटिव के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन सरकार अभी तक इस स्तर पर कोई फैसला नहीं ले रही है, जिससे दुकानदारों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार आगामी कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन पर फैसला ले। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरी सामान की दुकानों को कुछ घंटों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान करने के साथ अन्य सभी दुकानों को पूर्णतया बंद करे, ताकि बाजार में लग रही लोगों की भीड़ पर अंकुश लगाया जा सके। हमीरपुर ही नहीं, सारी जगहों से, पूरे देश प्रदेश सारी जगहों से इस वक्त जो सबसे बड़ी ये वैश्विक महामारी के कारण डेथ रेट में वृद्धि हुई है, तो अपने लोगों की, अपने परिवारों की, सबकी भलाई के लिए हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से हमने अपील की है कि सरकार कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाए, ताकि इसमें जो चेन है ये ब्रेक हो, कोरोना महामारी की जो ये जो इस वक्त मुझे लगता है कम्युनिटी स्प्रेड काइंड हो गया है, तो मुझे लगता है कि इस पर अंकुश तभी लग पाएगा जब इसका हम लॉकडाउन लगा के लोग अपने आइसोलेशन में रहेंगे और ज़रूरी वस्तुओं की जो दुकानें हैं वो कुछ समय के लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए उनको खोला जाए, ताकि जो कोई सामान लेने वाले लोग हैं, ज़रूरी जिनको जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका उनको लेने के लिए उनको 2-3 घंटे का समय दिया जाए। तो ऐसी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाए और हम लोगों को, हमारे परिवारों को और बाकी सब लोगों को राहत प्रदान करे। देखिए, व्यापार मंडल हमेशा, पहले भी, आप भी, आगे भी सरकार के साथ ही चला है, सरकार के साथ ही चलेगा, क्योंकि हमारा काम है, हम एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं, तो हम ना सरकार को ना लोगों को, अपने लोगों को हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको सर्विसेज अपनी नहीं देंगे। हम इस मुश्किल वक्त में भी सरकार के साथ खड़े हैं और हर जगह से हमें ये संदेश आ रहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाने में देरी करती है तो आप लॉकडाउन का ऐलान करिए और हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, पर हम अभी सरकार का वेट कर रहे हैं कि सरकार अपना, कल मुझे लगता है 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कोई ऐसा स्टेप ना लेना पड़े, सरकार ही अपने स्तर पे लॉकडाउन लगाए, बेशक कम दिनों का लगाए, पर लगाए ज़रूर, ताकि ये चेन ब्रेक हो और हम सब लोगों को राहत प्रदान हो। स्थानीय दुकानदारों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो सभी ने एक स्वर में कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए सरकार को लॉकडाउन सहित कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हर जगह, हर शहर, गली गली में पोजीशन है कि हर जगह अपना कोरोना फैल चुका है। हर परिवार में सभी सदस्य जो हैं उनके परिवार के जो हैं इसकी चपेट में आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, और सरकार के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वो कुछ और चीज़ों से इसे रोक पाए, तो इसका विकल्प यही अब दिख रहा है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए और कुछ इस तरह का एसेंशियल आइटमों को छोड़ के बाकी आइटमें बंद हों, थोड़ा बाजार में आवाजाही कम हो। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि सभी की राय होनी चाहिए और मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरा भी परिवार है, तो मैं खुद भी सुरक्षित रहूँ और परिवार को भी सुरक्षित रखूँ, तो ये हर कोई चाहता है। और लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन तो ऐसा है कि लॉकडाउन मेरे को लगता है कि 15 दिन का या हफ्ते का लगाना सरकार के लिए ज़रूरी है, ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सकें। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इसका फिलहाल रोकने का एक ही तरीका है, ये जो कोविड की चेन चली हुई है इसको बंद करने का एक ही तरीका, बंद करवाने और करने का एक ही तरीका है, कुछ दिन का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सोचने की हम कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसे सब लोग घरों में बैठे हैं, सभी को पता है कि इस बार कोरोना बहुत ही डेंजरस रूप में वापिस आया हुआ है,
तो इसलिए अगर लॉकडाउन लगता है तो हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे। नहीं, लगना तो चाहिए, क्योंकि व्यापार मंडल ने ये भी एक मुद्दा उठाया हुआ है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। इससे बीमारी बढ़ने का खतरा है। थोड़ा टाइम रुक जाएंगे, कुछ टाइम घर पे रहेंगे, 15-20 दिन अगर घर पे रह सकें तो रहेंगे लोग, तो थोड़ा बीमारी पे कंट्रोल आएगा। देखो जी, ये व्यापार मंडल ने जो निर्णय लिया हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। मतलब पहली बात तो ये है कि मतलब इन लकड़ियों की किसी को ज़रूरत ना पड़े, और अगर हाँ ज़रूरत पड़ती है तो व्यापार मंडल के सभी सदस्य जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। हर कोई जो है हिस्सेदारी अपनी देगा, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में इसका मतलब किसी को भी कोई भी मतलब लकड़ियों का कहीं मतलब प्रयोग ना हो, सब सुखी सुख शांति से रहें और सब स्वस्थ रहें। को जी, लॉकडाउन तो लगना चाहिए, क्योंकि ये जो एक चेन बनी हुई है इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये लॉकडाउन लगने की वजह से ही टूट सकती है। और एक दूसरी बात ये है कि बाहरी राज्य से जितने भी लोग आ रहे हैं उनके बाहर आने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। मतलब ना यहाँ से कोई बंदा हिमाचल का कोई बंदा बाहर जाए, ना बाहर से कोई बंदा हिमाचल में आए, तब भी जो है इस महामारी से बचा जा सकता है। कोविड मरीजों को जिनकी किसी की डेथ हो जाती है उनको लकड़ियाँ वगैरह देने की जो बात कही है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल लकड़ियों की वैसे भी किल्लत है, लेकिन सारे सहयोग करेंगे तो कोविड मरीज का अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाएगा। और साथ में एक बात और भी है कि अगर सावधानी बरती जाए तो शायद कोविड के मरीजों की डेथ रेट को रोका जा सकता है, जिसमें के जैसे हिमाचल से बाहर जा रहे हैं, बाहर से हिमाचल में आ रहे हैं, तो इनके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कुछ समय के लिए लगाया जाए, जिसमें लॉकडाउन सबसे बड़ी बात ज़रूरत है। आज की डेट में अगर लॉकडाउन लगता है तो ये चेन टूटने की पूरी पूरी संभावना है। सराहनीय निर्णय है व्यापार मंडल का, बहुत खुशी होती है जब ऐसी कोई संस्था आगे आती है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी व्यापार मंडल के सदस्यों को, प्रधान अनिल सोनी जी को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इससे लोगों की सहायता भी होगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए मेरी देश और प्रदेशवासियों से अपील है कि मास्क लगा के चलें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। इसमें जहां तक हो सके बाज़ार में भी कम आए, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक आप घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोई भी एहतियात बरतना ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो है ना आपस में तालमेल ठीक रहे और लोगों को कोई परेशानी ना आए। हॉस्पिटलों को सुधार रखिए और बाकी भी मास्क वगैरह पहन कर रखिए, बाकी सैनिटाइजर वगैरह यूज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लॉकडाउन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो कम हो जाएं और व्यापारी भी सुरक्षित अपने घर में रहें, और लॉकडाउन की काफ़ी ज़रूरत है। लगना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ अगर महीने का नहीं तो 10 दिन का लॉकडाउन पक्का लगना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं पंजाब वालों ने लॉकडाउन कर दिया है, हरियाणा में लॉकडाउन है, दिल्ली में भी लॉकडाउन, इस तरह हिमाचल में भी लॉकडाउन लगा देना चाहिए, क्योंकि यही एक स्टेप है जिससे व्यापारी वर्ग को और लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकानदार भी डरा हुआ है और कस्टमर भी डरा हुआ है और सारे घर वाले भी डरे हुए हैं। इसलिए मैं तो बिना आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सरकार से कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, 5 नहीं 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया जाए, उसमें सारे सुरक्षित रहें और सब सेफ रहें। धन्यवाद। इसके कारण लॉकडाउन लगना चाहिए और बड़े ढंग से 15 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए कम से कम। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में गत दिवस 341 मामले नए संक्रमण के आए हैं, तो जिला में इस समय एक्टिव मामले 1934 हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या 96 हो चुकी है। वर्तमान में हमीरपुर में 56 मरीज ऑक्सीजन के सहयोग से उपचाराधीन हैं, तो वहीं 1836
होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।